जिमनास्टिक्स ऐसा ही गेम था, कोई जानते भी नहीं थे इसको, पर अभी ऐसा हो गया जिमनास्टिक्स को पूरे हमारे कंट्री में जानते हैं। मैं अपने स्टेट में जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मैं करीबन 10 साल से पूरे नॉन इंडियन इक्विपमेंट में करती हूँ, पर अभी रिसेंट हमारी गवर्नमेंट भी एक जिम बना रहे हैं और इंडी को भी एक करीबन कुछ 3 या 4 करोड़ की कुछ सामान जिम फोम फिट के साथ दे रहे हैं, और साथ में IG स्टेडियम भी, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में, वहाँ पे भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, नया जो इक्विपमेंट आया वो जिम लोगों का वो भी आया वहाँ पे। हमारा मेन एम है अभी 2020 हो गया, बस अभी सामने एशियन चैंपियनशिप है, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है। मैं फोकस कर रहा हूँ 2019 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाइंग ओलंपिक क्वालिफाइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ उसका, और ओलंपिक ये दो को लेके मैं चल रहा हूँ आगे। देखिए हाँ, नॉट आउट पहले से डिफिकल्टी हमारी कम हो जाएगी, पहले जैसे सीआर था हमारा 2.5, अभी वो 2 हो गया। हाँ जो अच्छे कुछ कुछ एलिमेंट ऐसा था जिसका वैल्यू कम था वो बढ़ गया, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसा है जो वैल्यू ज़्यादा था वो कम हो गया, जैसे प्रोटीनों का कहीं 7 था 6, पर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सबके लिए सेम होगा। गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरा स्टेट से भी मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो हमारे साथ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ क्योंकि उनके लिए हमने ओलंपिक खेल पाया। क्वालिफाई के बाद 78 लाख का सामान लिया जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए बहुत, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहुत बहुत से DG सर इंद्रजीत श्रीनिवास और हमारे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर इंद्रजीत सिंह पावला उनका बहुत ज़्यादा हेल्प है, और ओलंपिक के बाद तो है नॉट अभी तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और सीरियस मेहनत करना पड़ेगा, क्लास शुरू होने का तो टाइम है, क्लास खत्म होने का कोई टाइम नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अपने कोचेस की बात सुनना चाहिए और मेहनत बहुत करना है क्योंकि हमें कुछ करना है।